और सीडीएस बिपिन रावत के निधन की खबर से पूरा देश गमगीन है। देश के सच्चे सिपाही का हादसे में यूं चले जाना पूरे हिंदुस्तान को झकझोर रहा है। वहीं हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने दुख प्रकट किया है। देश के सच्चे देशभक्त सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर जब दुनिया को मिली, हर कोई उनकी सलामती की दुआ मांगने लगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सीडीएस रावत अब हमारे बीच नहीं है। द ग्रेट वॉरियर बिपिन रावत का दुनिया से कुछ यूं चले जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया, तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मैं बहुत दुखी हूं। हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य जवानों को खो दिया। जनरल रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने सुरक्षा और हमारी सेना के आधुनिकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके निधन से मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। सरकार हो या विपक्ष, जनरल रावत के व्यक्तित्व से हर कोई प्रभावित रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देते हुए अपना 75वां जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए सीडीएस रावत के निधन पर दुख जताया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। ये एक अप्रत्याशित त्रासदी है। इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।